अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कराएंगे आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमल्स, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जाइए आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। अभी आपको सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन टाइप हैं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, बिल्कुल एज इट इज आएंगे। क्वेश्चन 5 और 6 ये भी ऑप्शन बिहाफ पे हैं, एक नंबर के हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन 2 में भी देगा ये, और कभी कभी ये 3 में देता है। और क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 और 15 ये सभी आपके 5 नंबर के हैं। इनके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेना कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया है, ये भी इसमें दिया हुआ है। समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको कल की वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आपको कल की वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कल की वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कल की वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली लेते हैं 5, क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं 5, तो डायरेक्ट हम, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराया था हमने, क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यांक -3 है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में लिखा है x+3, तो एक्स किसका मतलब -3 है शून्यांक। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा लग जाएगा, x की वैल्यू -3 लिख दो, +3, 3 से 3 खत्म होगा, तो आंसर कितना आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है हमारा कितना ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हम करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली हम बात करेंगे 5 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हम, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया होगा कि x माइनस वन बहुपद पी एक्स, बहुपद हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल x² प्लस में x-k का गुणनखंड है, तो k का मान पूछेगा, किसका मान पूछेगा, k का मान। x- इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x-1 = 0 कर लीजिए, और x बराबर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी क्या 1 हो जाएगी, x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो x का मान हम किस में रखेंगे, पी एक्स, जो यहाँ पे दिया हुआ ना पॉलिनोमल्स, तो पी एक्स के स्थान पे 1 बराबर में x के स्थान जहाँ भी है वहाँ पे 1 रख दीजिए, प्लस में वन और यहाँ पे हमारे पास माइनस में k। अब पी एक्स बराबर ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्या मानेंगे, अगर सॉल्यूशन में कर रहे हैं, अगर सॉल्यूशन में नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से लिखेंगे यहाँ पे 0 = 1 + 1 और माइनस के, और 0 = 2 - k और 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के, के से के खत्म हो गया तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 2 हो जाएगा। ये यदि ऑप्शन में है तो जल्दी करेंगे, ऑप्शन के लिए समय भी नहीं लेंगे, ऑप्शन से भी कर देंगे, किस प्रकार से होगा बता देंगे आगे। अगर ये सॉल्यूशन में आता है 2 नंबर का तो आप इसको मान के करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि माना पी एक्स बराबर में 0, माना क्या करेंगे पी एक्स बराबर में 0 आप लेके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें ऑलरेडी बोला हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आप पी एक्स, तो पी एक्स बराबर में 2x³ - 3x² + 4x - 2 ये आपको सवाल दिया है, और वो कह रहा है पी के स्थान पर, जो हमारा पी है ना, तो पी यहाँ एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं, तो बराबर में 2 - 1³ - 3 - 3 - 1² + 4 - 1 - 2, राइट। अगर ऑप्शन में होगा तो जल्दी करेंगे, मतलब यहाँ पी एक्स के स्थान पर हम क्या मानेंगे 0, ऑलरेडी ले लेंगे, लेट समझाया हुआ भी आपको डीपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। जब किसी भी, ध्यान से रखिए, अगर कोई वैल्यू है हमारी माइनस में और उसकी जो पावर है वो ओड है, ओड राइट, विषम है हमारे पास, क्या है हमारे पास विषम है, तो हम उसका हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, गुणा में -1 और यहाँ -3, जब कोई भी पावर सम होती है तो उसका आता है प्लस में, और प्लस में 4 = 4 तो ये -4 हो जाएगा, -4
और माइनस का 2। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का, सब माइनस के हैं, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 11। तो p माइनस 1 बराबर में माइनस का 11, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जल्दी से, ये हमारे पास में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए और बी, इन दोनों में उसने बोला है हमसे कि गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करने। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में से कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे 7 है, ए है, बी है, 28 है, ए और बी है, दोनों के पास ए बी हैं, ए बी हैं, और 28 7 से कटेगा, तो 7 ए बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 6 28, ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया हमारे पास, तो ए का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस 7 हम ले चुके हैं तो ए बी हम ले चुके हैं, एक बी ले लिया हमने तो बी का स्क्वायर हमारे पास, ये फॉर्मूला बचेगा। अब इसी प्रकार से जब आगे देखेंगे तो 7 बी ये क्या हो जाएगा, 2 ए का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में बी का स्क्वायर। तो हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है, कौन सा, 2a + b और 2a - b, यही हमारा आंसर है। देखिए सुनिए, सबसे पहले हमने क्या कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया, 7 6 28, तो यहाँ 7 गायब हो गया, 4 और 1 बचा, यहाँ से a ले लिया, यहाँ से b ले लिया, क्योंकि a b दोनों के पास है, b चला गया तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पे 3 था, 1 की पावर 3 था तो 1 की पावर 2 रह जाएगा, b की पावर 3 था तो b की पावर 2 रह जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक बार जोड़ो और एक बार माइनस करो, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में फॉर्मूला है कौन सा, a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस में माइनस b का स्क्वायर प्लस में 2c का स्क्वायर प्लस में 2a की वैल्यू कितनी है, 4a, और गुणा में b की वैल्यू कितनी है, माइनस b, ठीक है, प्लस में 2b माइनस b, माइनस b गुणा 2c, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 2c की वैल्यू कितनी है, 2c, और गुणा में हमारे पास 4a, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16a का स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस होते हैं b का स्क्वायर, 2 दूनी 4 होते हैं हमारे पास 4c का स्क्वायर, ठीक है, आया ना। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 दूनी 8 माइनस का, मगर प्लस माइनस 4 दूनी 8 ए बी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ही प्रोडक्ट प्लस के हैं हमारे पास, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 ए सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही इजी है। इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है बेटा, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, ये फॉर्मूला है। जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस लगा देंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब हम आपको कराएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 का भी, देखिए बहुत इजी है, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 को कराने से पहले हम आपको दो फॉर्मूले बताएंगे, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, a + b का पावर 3 और a - b का पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर 3 प्लस में b का पावर 3 प्लस में 3ab और a + b, एक तो इस प्रकार से कर देते हैं इसे, दूसरा इसी का रूप होता है जब इसे खोलेंगे तो a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 प्लस में 3a² b, इसकी गुणा अंदर कर दी, प्लस में 3ab का स्क्वायर।
इसी प्रकार से हम माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में हम करेंगे तो a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 माइनस में 3ab और a माइनस b, जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 माइनस में 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस में 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों ही बिहाफ पे, इन दोनों ही बेस क्वेश्चन आता है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, यहां पे कौन सा होगा हमारे पास में, सेकंड वाला है, सेकंड। तो इसको कैसे करेंगे, 2x माइनस 3y की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 माइनस में 3, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई में 3y और 2x माइनस 3y, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, पहले हमने इसको इस रूप में खोला, सॉल्व करेंगे 2 × 4 × 8, 2 की पावर 3 होता है 8 और x की पावर 3 माइनस में 3 की पावर 3 होता है 27, y की पावर 3 3 × 6 और 6 × 3 = 18 माइनस 18 एक्स वाई और 2x माइनस 3y। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको, 8x की पावर 3 ये हम सॉल्व कर चुके हैं, 27y की पावर 3 ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 18 दुनी होते हैं 36, 36 एक्स में एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ 18 ती होते हैं 54, 18 में जब 3 की गुणा करेंगे तो 54। अब यहाँ पे आपने प्लस क्यों लगा दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो यहाँ पे भी खोला था माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास एक्स इसके पास है नहीं तो वाई है, एक्स एज इट इज लिखेंगे, वाई में वाई की गुणा करेंगे तो वाई का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस में 3, ठीक है, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्यूशन करा हमारा आंसर ये आएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, बड़ा इजी है, इसमें 15 नंबर लाना बहुत इजी है। ठीक है, इस चैप्टर से जो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी आएंगे। इस वीडियो को करने के बाद आप अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बहुत इजीली आप सवाल करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, इसको भी देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 नंबर में भी दे सकता है आपको और 5 नंबर में भी, डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ही क्वालिटी हैं इसके अंदर, 3 नंबर वाली भी हैं और 5 नंबर वाली भी हैं, डिपेंड करता है कि ये आपको कौन सा क्वेश्चन देगा और कितने नंबर का देगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपको गिविन में देगा, आपसे पूछेगा क्या, ये गिविन होगा आपका। ठीक है, पूछेगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर फाइंड करिए। ठीक है, तो जो चीज दी है हम सबसे पहले वहीं से लेते हैं सॉल्यूशन, जब इसका करेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे यहां पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला खोल लीजिए, अभी अभी बताया है कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वेरी गुड, बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, हमने यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए बी बी सी और सी और बराबर में 49। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसका तो आंसर निकालना है, और 2 × 20, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू है 20 दिया हुआ है वहां पे, और बराबर में यहां पे लिखेंगे 49। रीजन दे देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 20 दिया है, गिविन है ये आपको दिया है, रीजन दे देंगे आगे। तो अब हमारे पास में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 40 और बराबर 49। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये 40 हमारा उधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 49 माइनस में 40, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर में 9, ये हमारा आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझाया है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, इसको भी इन्होंने लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें जो दिया हुआ है वो 5 नंबर का दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व करने के लिए बोला है, उसने बोला है कि फैक्टराइजेशन करिए, राइट, फैक्टराइज करिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लेते हैं, वो फॉर्मूला है हमारा a की पावर 3, ठीक है, प्लस में b की पावर 3, प्लस में c की पावर 3, माइनस में 3abc। इस फॉर्मूले को हमने जब सॉल्व करना है वो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को खोलना है हमें, ये होगा a प्लस बी प्लस सी, और बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस में ca। इस रूप में ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन एज इट इज इसी फॉर्मूले पे है, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में लेके आते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, कल भी हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, जो कल की वीडियो है उसे आप जाके देख सकते हैं, ये बात बताई थी हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको 27 को किस रूप में लिखेंगे, 3x, 3 × 9 = 27 होते हैं, प्लस में y की पावर 3 और प्लस में z की पावर 3 माइनस में 3, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3x गुणा वाई गुणा जेड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम इस रूप में, हमारा ये रूप बनेगा, तो कैसे बनेगा ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर उसके बाद 3x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में 3xy माइनस में yz माइनस में 3xz। ये कैसे हो गया, देखिए ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, ठीक है, फिर a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, अभी करेंगे इसे सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है, फिर y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में हमने दिखाया है यहाँ पे ab हमारे पास कितना है, देखिए ab ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो 3 हमारे पास है यहाँ पे a और b, तो हमारे पास a कितना है 3x, 3x गुणा में y, तो 3xy हो गया। BC अगर हम लेंगे तो BC हमारे पास YZ, और फिर CA में हमारे पास Z और 3X, क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं, 3X प्लस Y प्लस में Z, और हमारे पास हो जाएगा बेटा 3×9x² प्लस में Y का स्क्वायर प्लस में Z का स्क्वायर माइनस में 3XY माइनस YZ और माइनस में 3XZ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आगे के हैं हमारे थोड़े से, अब जरा क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 8 ये 3 नंबर में भी प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है, जो मोस्टली है इसमें 3 नंबर में प्रोवाइड कर देगा, मगर क्वेश्चन नंबर जो 11 है और 12 और 13 14 ये डेफिनेटली आपको 5 नंबर में देगा, कभी कभी ऐसा होता दे देता है, इजी है, मगर मोस्टली ये 3 नंबर में आएगा मोस्टली अभी तक जो देखा गया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो आगे के क्वेश्चन है इन्हें कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी 15 ही क्वेश्चन जैसे 15 आपको जो करने हैं 15 का आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी और भी क्वेश्चन देंगे इसमें कम से कम हम दूसरी तरफ 15 क्वेश्चन और ले सकते हैं एक पेज पे और, तो अभी तो राइट नाउ आपको 15 क्वेश्चन ही अपनी PDF के सॉल्व करने हैं, अभी तक जो हम वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन 10 की ही बनाएंगे, आगे की वीडियो कल देंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बैठे क्यों हो भाई, शेयर करो, और बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, 9th की वीडियो देख के वो मोटिवेट होंगे, थोड़े से घर पे बैठे बैठे पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं, बहुत छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, ये तो आराम से आप जो अपनी थोड़ा गेम की वीडियो अदर वीडियो देखते हो उन्हें थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई की वीडियो देख लीजिए, और बट पढ़ाई की वीडियो देखते समय आप क्या करें, अपने नोट्स कॉपी बुक लेके साथ बैठें तब वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि बस आपने वीडियो देखी और आपको आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा
और आपको अपने नोट्स भी लेके बैठने होंगे। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।